12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहे। कि 4 साल पहले आज ही के दिन एनडीए की सरकार ने नोटबंदी अनाउंस की थी और ये सारा खेल एक साजिश के तहत किया गया था ताकि ये सरकार अपने पूंजीपति मित्र जो है उनके काले धन को सफेद कर सके। और मजे की बात यह है कि नोटबंदी अनाउंस होने से पहले ही कैसे बहुत सारे लोगों को ये पता लग गया कि नोटबंदी होने वाली है और उन्होंने पहले ही बैंकों में जाके पैसे जमा करा के अपना काला धन अपने अकाउंट में जमा करा दिया और वो वाइट हो गया। इस नोटबंदी ने इस देश को बर्बाद किया, देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद किया, देश के हजारों नौजवान युवकों को बेरोजगार किया, व्यापार खत्म किए, उद्योग खत्म किए, जिसका नतीजा आज तक भुगत रहे हैं। आज तक अर्थव्यवस्था उसके दुष्परिणामों को भुगत रही है और माइनस में चली गई है। आज हमारी जीडीपी माइनस में है, हमारा स्तर, हमारे देश की अर्थव्यवस्था का स्तर, हमारी प्रगति उन्नति का स्तर, आज हमारे जो पड़ोसी देश हैं जैसे बांग्लादेश, उनसे भी नीचे चला गया है। तो ये सब नोटबंदी के दुष्परिणाम है, नोटबंदी के कारण से ही हुआ है। और जिन लोगों ने भी नोटबंदी का ये आइडिया और विचार दिमाग में लाया और इसको लागू किया वो कोई अर्थशास्त्री नहीं थे, वो कोई एक्सपर्ट नहीं थे, वो अर्थ के ज्ञाता भी नहीं थे, वो लोग अनपढ़ थे, गवार थे, जिन्होंने एक खेल खेला जैसा कि मैंने कहा अपने पूंजीपति मित्रों की मदद करने के लिए, उनके अरबों रुपया करोड़ों रुपया के काले धन को सफेद करने के लिए जो किया। उसी के कारण से ये नोटबंदी आई और आज तक सरकार और आरबीआई ये नहीं बता पाई कितना पैसा सर्कुलेशन में था और कितना पैसा वापस आया, आज तक उसकी गिनती नहीं कर पाई सरकार। नोटबंदी का सबसे बड़ा दुष्परिणाम यह हुआ है कि हमारा जो गरीब और छोटा व्यापारी था वो बिल्कुल खत्म हो गया, उसको अपने काम धंधे बंद करने पड़े, वो बेरोजगार हो गया, उसके पास आज खाने को भी पैसा नहीं है। नोटबंदी, जीएसटी और उसके ऊपर कोरोना से मार, ये ऐसी विषमताएं हैं जो भारत की जनता आज भी झेल रही है, जिसके कारण से हमारा देश जो है बहुत बदहाली की स्थिति में है और ये सरकार जो है कुछ भी कर पाने में असरदार नहीं है, कुछ भी कर पाने में सामर्थ्य नहीं है। देखिए, जो नोटबंदी को जो हम गहराई से समझने की कोशिश करें कि प्रधानमंत्री को आखिर इसकी क्या जरूरत पड़ी, जानकारी ये मिली कि दूसरे देशों के अंदर नकली करेंसी हमारे देश की छप रही है और हवाला के कारण बहुत सारा पैसा हमारे देश के अंदर फंडिंग किया जा रहा है। अब जब दूसरे मुल्क देश के अंदर इंटरफेस करेंगे तो सरकार को कोई ना कोई कदम तो उठाना पड़ेगा। अब बहुत सारी बातें हैं जो पब्लिकली नहीं बोली जा सकती देश हित के लिए, लेकिन ये जो पिछले समय के अंदर, आज के समय के अंदर अगर आप देखो, अगर 8 नवंबर की 2016 के अंदर जब नोटबंदी हुई थी, लोगों के मन में अगर आक्रोश होता तो दोबारा से एनडीए सरकार बहुत बहुमत से ना आ पाती। लोगों ने मोदी जी की नीतियों को समझा, थोड़ी देर के लिए परेशानी ज़रूर हुई, लेकिन ये लगा कि कोई प्रधानमंत्री आया, ऐसा आया है जो ऐसे फैसले भी ले सकता है। आज अगर हम कोरोना को काल को हटा दें तो जो फैसले हुए 2019 के बाद, 3 तलाक का मामला हो या राम मंदिर का मामला हो या उसके साथ ये जो अभी पीछे हमारे देश के अंदर 370 धारा जो हमारे पूर्वजों ने सपना देखा था
उसे पूरा करके प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी ने किया है, ये एक काबिले तारीफ है। और देश जब ऐसे निर्णय लेता है, कड़े निर्णय लेना हर एक के बस की बात नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री जी की जो छवि जो बनकर आई है वो इन फैसलों के कारण ही बन के आई है। मैं समझता हूँ कि वो जो 8 नवंबर वाली बात आप कह रहे हैं वो एक बात ही रह गई है। लोगों को लगने लग गया कि 1 नंबर का काम करना, GST का काम करना, व्यापारी टैक्स देने के बावजूद भी चोर कहलाता था, अब लोगों में एक बहुत बड़ी एक राहत है। और प्रशासन के अंदर रह के हमें टैक्स देना चाहिए, हम डेवलपमेंट तो चाहते हैं कि हो, लेकिन हम टैक्स ना दें तो वो भी कोई अच्छी बात नहीं है। और अब लोगों ने टैक्स देना भी शुरू किया स्वेच्छा से, और वो बात भी कहीं ना कहीं पे 3 महीने 4 महीने 6 महीने साल तो लगी लोगों को कि ये नोटबंदी वाला मामला आया है, लेकिन जब उन्होंने समझा तो उसकी सराहना की गई है। उसका परिणाम यह है कि एक बार फिर से 330 सीटें जीतकर NDA सरकार सत्ता के अंदर आई है।